आज के जहाँ चले थे वहाँ से गीता योग का प्रारंभ करते हैं। फिर से एक बार सबको गणेश चतुर्थी की का अभिनंदन। बड़े सुंदर सुनहरे दिन चल रहे हैं, मोदक बनाए खाए खिलाए, गुड़ और खोबरे का कोकोनट, वो बड़ी सुंदर कथा है। जुड़िए इसके साथ, ये क्या चीज़ है, क्यों गुड़ क्यों खोबरा, क्यों किसने बनाया, किसने लाया, किसने रख दिया प्रथा। खाली ये संक्षिप्त में इतना कह दूँ कि ये विष्णु भगवान की से जुड़ी हुई कथा है। गणपति जी और विष्णु, गणपति जब छोटे थे 8 साल के बच्चे, उनमें और विष्णु भगवान में जो बात बड़ी रोमांचकारी कथा है, उनमें रावण का भी की भी कथा इसके साथ जुड़ी है जो हुई थी। उस समय जो गणपति ने मांगा था, ये लाओ वो लाओ, तुम काम बता रहे हो, ये करो वो करो, पहले तो ये खिलाओ वो खिलाओ, विनोदी कथा है, उसमें ये सब आता है। गुड़ लाओ, खोबरा लाओ, नारियल खोबरा मतलब ये फुटाने बतासे लाओ, मकाने, ये शास्त्रों से चली, पुराणों से चली हुई कथा है। बड़ी मज़ेदार है, बड़ी विनोदी है। भगवान जी को विनोद अत्यंत प्रिय होता है, विनोद से जीवन जीना चाहिए। ऐसा बड़ा गंभीर सीरियस, मियाँ रोते क्यों, तो सूरत ही वैसी, ऐसा नहीं जीवन जीने के लिए कहा, विनोदी जीवन जीने के लिए। कृष्ण की जीवन कथा में तो कितना विनोद, विनोद ही विनोद, बचपन से विनोद आखिरी समय तक मजे में रहे, आनंद में रहे, फर्स्ट क्लास अपना काम कर दे और फिर फर्स्ट क्लास बिंदास हो जाए, फर्स्ट क्लास रहे। अपनों के साथ मस्करी ठीक है, चलती है, ठाकुर जी भी करते थे, रुक्मिणी के साथ करी थी, सत्यभामा के साथ, मित्रों के साथ, सुदामा के साथ, तो कितनी छेड़खानी करी थी। तो इट्स ऑल राइट, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वेदों ने कहा है, जैसा इधर होता है वैसा ही उधर भी होता है, इधर वही होता है जो उधर होता है। दिस इज बट ए रिफ्लेक्शन, दिस इज ओनली ए रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग देयर। जैसे हम दर्पण में देखे तो मैं आँख को ऐसा ऐसा करूँ तो वो भी वैसा ही कर रहा है। तो इधर अगर विनोद है तो इसका मतलब ये कि उधर भी विनोद है, लेकिन क्लीन, गुड क्लीन फन, अनकंटेमिनेटेड प्योर फन, प्योर जॉय, कंटेमिनेटेड जॉय नहीं। सो प्योरिटी का महत्व है, उधर प्योर है, जैसे आईने की इधर वाला जो है वो जैसा का वैसा है, उसमें कोई मैल नहीं है, कंटेमिनेशन नहीं है, लेकिन उधर वाला जो है वो दिखाई तो वैसे दे रहा है लेकिन कंटेम वो जैसा का वैसा नहीं है, उसमें अपनी ताकत नहीं, अपना दम नहीं है, वो काबिल नहीं है, समर्थ नहीं है, आईने की इधर वाला है। ऐसे ही उधर वाला जो फन है वो आध्यात्मिक, जिसे कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा, आज के श्लोक में आएगा शब्द आत्मानाम अधिकृत। केन उपनिषद में व्याख्या आती है, केन उपनिषद नाम का, जो आत्मा में अधिकृत करा दे, जो आत्मा में अपना अधिकार दिखा दे, जो अपने आप को अपनी आत्मा से पहचान करा दे, ऐसा ज्ञान, ऐसी वार्ता, ऐसा जीवन, ऐसा आचरण, ऐसी साधना, ऐसा सत्संग, ऐसा साध संग, ऐसे शास्त्र, ऐसे वचन, ऐसा भजन, ऐसी भक्ति, ऐसा कर्म, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। तो ये चश्मा, आध्यात्मिक चश्मा पहन ले, हम जो कर्म कर रहे हैं ये आध्यात्मिक है या सांसारिक है, इससे कुछ धान मिल रहा है कि खाली भूस घास फूस मिल रहा है, इससे कुछ हमें आत्मा की पहचान हो रही है, आत्मा की ओर निर्देश हो रहा है, या खाली खाना पीना बजाना बस धूमधड़ा का ये खत्म होने वाला माल, आहार निद्रा भय मैथुन। अगर ऐसा नहीं है, अध्यात्म नहीं है, आत्मा में अधिकार नहीं दिखा रहा है, तो उसे छोड़ दे तो कोई बात नहीं, वो तो स्वधर्म नहीं हुआ। आगे चल के भगवान कहते हैं इसी गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। वही धर्म है जो अपने आत्मा की पहचान करे, आत्मा में स्थित करे, आत्मा में लगा दे, आत्मा की ओर ध्यान दे, उसमें तो मरना भी ठीक है, भगवान कहते इस अध्याय में। लेकिन और इधर उधर के धंधे करना, उसने उसे खाली थोड़े समय के लिए लगे सिक्योर, लेकिन वास्तविक में इनसिक्योरिटी और बढ़ती है, और इनसिक्योरिटी अनसेफ्टी। इसलिए चश्मा आध्यात्मिक पहने, हम जो वचन कह रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी गा रहे हैं, कह रहे हैं, देख रहे, प्रसाद नैवेद्य दिखाते भगवान को, इसको आध्यात्मिक हो गया अभी, क्योंकि भगवान का नाम लिया, भगवान के नाते भगवान को अर्पण किया, हरि अर्पण किया,
जो पिछली बार ये जो सत्र खत्म हुआ था, तो मैंने कहा था कि आप लोग शायद पढ़े 30th श्लोक, मैंने कहा था, शायद आप में से किसी ने पढ़ा होगा। तीसरा अध्याय कर्मयोग हमारा चल रहा है, उसमें वी स्टॉप्ड एट 29 लास्ट टाइम, एंड देन आई जस्ट हल्की सी झलक दी थी मैंने कि 30वां श्लोक पढ़ा, एकदम भगवान के मन में क्या आया पता नहीं, उठाया बल्ला एकदम छक्का ही लगा दिया बीच में, कैसे भी गेंदाल उठा के एकदम आउट ऑफ द पवेलियन, आउटसाइड द फील्ड। 30th श्लोक कर्म की बात करते करते धड़ाक से कह दिया, मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो इसमें अध्यात्म शब्द आया, भगवान ईश क्या आता है, मई मुझ में सर्वाणी कर्माणी, सारे कर्म जो तू करता है, जो भी कर्म करता है, मतलब लिटरली अक्षरशः शब्दशः, खाली फिगरेटिवली नहीं, खाली कहने के लिए नहीं, एक्चुअली रियली जो भी कर्म करता है मई मेरे में मुझको सर्वाणी कर्माणी, वट एवर यू डू एनीथिंग ऑल ऑफ इट, गाली गलौज भी अगर हो रही है मुंह से, डांट फटकार हो रही है, बच्चे को थप्पड़ लगानी पड़ रही है किस जो, अथवा तो अच्छा काम कर रहा है, दान धर्म कर रहा है, मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य अध्यात्म चेतस, वो कर्मों को मुझ में छोड़, संन्यास अर्थात छोड़ देना, सम्यास सा संन्यास, सम इज इवनली इक्वली इन अ गुड वे, अच्छी तरह से न्यास कर दिया, छोड़ दिया। संन्यासी लोग छोड़ के चले जाते ना, अच्छा वो वापस नहीं आते फिर से, ओम भवति भिक्षां देही करके जो मिले वो उतना लेकर खा लेते, फिर से घर में अपने अपने माँ वो आज भिक्षा नहीं मिली जरा वो पूरण पूरी खिलाना। संन्यास मई सर्वाणी कर्माणी, तो संन्यास भगवान ने ये नहीं कहा कि माय अपोलॉजी मेरे लॉन मोवर को, हमने कितने बार कहा कि सैटरडे को 2 से 5 बजे तक नहीं, वो बराबर एग्जैक्ट उसी समय आता, वो मेरे को सिखाने सिखा के ही रहेगा। संन्यास की भाषा के छोड़ो अभी, आई होप यू आर एबल टू हियर मी, I'll try to speak louder। ये बे विंडो के नीचे ही बराबर वो उसके चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी उधर ही ले रहे हैं जहाँ पर मैं बैठा हूँ, बड़ी मज़े की बात है। जय जय। सो मई सर्वाणी, ये देखो मई सर्वाणी कर्माणी, कर्म को संन्यास करने के लिए कहा, ये नहीं कहा कि गेरुए वस्त्र पहने अपने पति पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, कर्मों को छोड़ो, है ना, कर्मों का मतलब जो कर्मकांडी बन के जो कर रहा है, फल स्वरूप जो है अर्थात कर्म फल को, उद्देश्य को, मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य, और अपने आप को आध्यात्मिक बनाए, अपनी चेतना को और कॉन्शियसनेस समझ जिसे कहते हैं ना, ऐसा कुछ है हमारी खोपड़ी में भेजी में दे रखा है भगवान ने, जिसे हम समझते हैं, कुछ जो भी सुन रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं, जो भी देखते हैं तो उसको समझ लेते हैं कि ये क्या घास है, ये खाने की चीज़ है, नहीं खाने की चीज़ है, अपने वाले पराए वाले, व्हाटएवर वी, जिस किसी इंद्रियों से चेतना आती है, कुछ चखते हैं तो मीठा है या तीखा है समझते, ये तो ऊपर ऊपर का, लेकिन समझ अंदर है कहीं, उस वो चेतना शक्ति, दैट पावर, दैट एबिलिटी, दैट स्किल, दैट कैपेसिटी टू कॉम्प्रीहेंड, कॉग्निशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कॉग्निशन इज चेतना, चैतन्य, चैतन्य इज द सोर्स ऑफ चेतना। तो वो जो हमें जो शक्ति है उसे चेतस कहते हैं संस्कृत में। मई सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य अध्यात्म चेतसा, देख तू चेतना का उपयोग करके कर्म तो कर रहा है, ओ कर, उसके फल को छोड़ दे, मेरे में डाल दे, तेरी चेतना जो है उसमें वेस्ट मत कर वो फलों में, क्योंकि उनसे अगर उधर लगाएगा फल में तो आशा ममता और ज्वर पैदा होंगे, वो चिपक जाएंगे। आशा चेतना अगर उस फल में लगेगी तो क्या होगा, उधर ही सोच रहेगा ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, कम हुआ ज़्यादा हुआ, टिकेगा नहीं टिकेगा, ये अपने पास रहेगा या दूसरा कोई ले जाएगा, थोड़ा दे दूँ कम दे दूँ कितना अपने पास रखो, उधर ही बिगड़ जाएगा आशा में, और मिल जाए और करने के लिए नेक्स्ट टाइम के लिए कैसा बचा कर रखे क्या करे, उधर ही लग जाएगी फल में आशा लग जाएगी। तो निराशी चेतना को अध्यात्म में लगा, आत्मा में लगा,
और ममता हो जाएगी, उधर लगाएगा तो अच्छा ये मेरा है, मैंने ऐसा किया तो मेरे को मिल गया, तो अपन बचा के रखते हैं, उनको दे देंगे, अपने नाम का वो लगाते स्टिकर लगा देंगे फ्रॉम विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दिस फैमिली करके, नहीं तो वो स्टील पर नाम लिखा गया ताकि वो ना जन्म भर याद रखे किसने दी थी ये कटोरी जिसमें चाच पी रहे शादी के समय। ऐसी उधर ममता हो जाएगी, दिए हुए वस्तु में भी ममता हो जाएगी, तो उछली उधर मत लगा, और ज्वार होगा, संताप होगा, फीवरिश हो जाएगा, तकलीफ में पड़ेगा, अग्नि एंग्जाइटी एंग्शियस होगा, उनको अच्छा तो लगेगा नहीं, याद तो रखेंगे ना मैंने दिया था वो थैंक यू, तो वापस आएगा ना, वो भूल तो नहीं जाएंगे, वो बैग में कार्ड डाला ना, कार्ड में नाम तो लिखा था कि नहीं, तो उनको पता नहीं चलेगा। ये सारा जो ज्वर दे वो उसे जो देना था उसके आनंद की जगह पे उसके ज्वर निर्माण हो गया, ज्वर मतलब ज्वर भाटक दे, ज्वर फीवर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, अब नॉर्मल हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो भगवान क्या कहते हैं, ये सब क्या होगा, तेरी चेतना जो है, समझने की शक्ति जो है, अगर तू फल में लगाएगा तो ये मिलेगा, क्या मिलेगा, आशा मिलेगी, ममता मिलेगी और ज्वर मिलेगा। अगर तू ये फल को मेरे में छोड़ दे खाली कर्म कर सीखने के लिए, वो जो सीख मिली कर्म से, जो ज्ञान मिला उसमें अगर अपनी चेतना को लगाएगा तो तेरे को अध्यात्म की प्राप्ति होगी, तेरे को आत्मा का ज्ञान होगा, और फिर उसकी जगह पे क्या मिलेगा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। ये एकदम छक्का क्या, ऐसा कोई अगर क्रिकेट में शॉट होता था कि एक मारो तो एकदम 12 मिल जाएंगे तुमको, 12 रन मिलेंगे, ऐसा वाला ये छक्का भी नहीं है, ये पवारा है, शकुनी मामा का रहता था वैसे, कि एक तू ऐसा कर रहा है अर्जुन, इसकी जगह पे ऐसा करे तो यहाँ तेरे को ये जो मिल रहा है, अभी तू बौखला गया है, कंफ्यूज हो गया है, रो रहा है, दुखी है, भागना चाहता है, इतना सा अगर करेगा कि तेरा जी तेरी अकल इधर जा रही, इसकी जगह उठा के इधर से लगे उधर रख दे, वो मेरे हवाले छोड़ दे, युद्ध कर, जो मरेगा बचेगा, राज मिलेगा नहीं मिलेगा वो छोड़, उसके बारे में चिंता ना कर, तेरा काम युद्ध करने का है, तो योद्धा है, ये तो वॉरियर प्रिंस, क्षत्रिय धर्म है तेरा, वचनबद्ध है, तो तू युद्ध में मन लगा, आई विल टेक केयर ऑफ द फ्रूट्स वर एवर नीड्स टू हैपन। इससे क्या होगा, युद्ध करते समय भी तेरे को आध्यात्मिक शांति मिलेगी, आध्यात्मिक प्रगति, युद्ध भूमि में तेरे को भगवान की प्राप्ति होगी, कोई पूजा नहीं हो रही, कोई फूल नहीं चढ़ा रहा, कोई नारियल नहीं फोड़ा जा रहा, कोई जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा मात जाकी पार्वती पिता महादेवा कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी सब मिल रहा है अगर ऐसा करे तो। अपनी अकल को थोड़ी इधर से उठाकर उधर लगाती, इधर सड़ रही है, जड़ के जड़ फल में लगाकर सड़ रही है, और सड़ने के बाद गड़ जाएगी मिट्टी में, उसके फल से चिपके तो हम भी उसके साथ सड़ जाएंगे, उसके साथ गड़ जाएंगे, उधर से उठाकर फल को जाने दे। कितना सुंदर वचन है ये, एक भी श्लोक आज हुआ, अगर आप इस पर आप ध्यान कर सके अलग से अपने 8 दिन अगले समय तक, तो बहुत शांति कर्म योग की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरे अध्याय का लाभ, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। हे अर्जुन, तू ऐसा कर ना, मेरे में सब कर्म फलों को छोड़ दे, अच्छी तरह से छोड़ दे, परमानेंटली छोड़ दे, इसके बाद दिमाग ही नहीं चाह, उधर ध्यान ही मत दे फल की ओर, कह दे कि मैं हूँ, मैं देखने वाला हूँ, संभालने वाला हूँ, उसकी जगह पे तू मन मुझ में लगा, मई तो मैं और तू अलग नहीं, इसका अनुभव होगा अध्यात्म का, वही अध्यात्म इज द ब्रिज बिटवीन जीवात्मा एंड परमात्मा, ये पुल बांधा है, पुल पुलिया पुल बांधा है जीव और शिव के बीच, उस पुल को अध्यात्म कहते हैं। तो अपनी चेतना को उधर नहीं तो इधर ही लटक जाएगा, तो नदी के इधर ही जा नहीं पाएगा, तर नहीं पाएगा, संसार सागर तर नहीं पाएगा, तड़पता रहेगा, देख मैंने कितना अच्छा पक्का पुल बना के रखा दिया, तेरे को इधर यहाँ तक ला के रखा है, लेकिन तेरे को छोड़ना पड़ेगा, इधर जो रथ से उतरना पड़ेगा, यही तो इधर अकेला एक ही जा सकता है, प्रेम गली अति सांकरी जहाँ में दोनों समाए, तो छोड़ इस सबको, रथ को दो, जो भी तरह होगा सामान फल, इधर से निकल जा तू, तो तुझ फिर जीव नहीं रहेगा, शिव तव को प्राप्त होगा, आत्मा को परमात्मा का कि मिलन होगा, रास रचेगी, फिर भक्त भगवान से मिल जाएगा।
तो निरा, और फिर उससे क्या होगा, उसके बाद की जो स्थिति होगी तो निराशी निर्ममो भूतवा हो जाना होगा। यद्यस्व विगत ज्वर, विगत गत मतलब जाना, विगत मतलब नहीं जाना, अर्थात बुझ जाना ज्वर, तेरा सारा टेम्परेचर मिट जाएगा, सारा फीवर हट जाएगा, एकदम दिमाग ठंडा हो जाएगा, परमानेंट ठंडा रहेगा, बौखलाएगा नहीं कभी, फिर तू फिर कुछ एंजाइटी नहीं रहेगी, कोई मिजरी नहीं रहेगी, एवर कूल आइस पैक बन जाएगा, चिल्ड। इट्स युद्ध करते समय भी, तो हमारे जीवन में अगर संग्राम चल रहा हो, संघर्ष चल रहा हो, कर्म से ग्लानी आ रही हो, फलों में निराशा आ रहा हो, तो ये श्लोक 330, थर्ड चैप्टर 30th श्लोक इज वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना शायद हम लोग शायद एक बार सब लोग कह ले, मैं कहता हूँ थोड़ा आप लोग कहे, ताकि इस दिन इस संस्कृत का, भगवान की वाणी का अपने मुख से भी हो और जान पाए कि हम लोग भी कह सकते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो फिर से एक बार कहते, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। तो इसको कहते हुए शांति से बैठ के इमेजिन करें कि मेरा परमानेंट दिमाग ठंडा हो गया, परमानेंट फीवर, सारी एंग्जाइटी चली गई, अब नाम ही नहीं एंग्शियस होने का जीवन में, अब कोई बस कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर सकेगा, पल्टर अनपल्टर्ब बादर बाय नथिंग आइसबर्ग बन के। ऐसा हो सकता है अगर हम भगवान को अपनाएं, कर्म तो करें लेकिन करे केवल सीख अपने पास रखने के लिए, फल उसको अर्पण कर दे, ओ तेरा तुझको दे, तू देख जिसको देना है बांट, प्रसाद तेरा प्रसाद है, ओ तो हम भी उधर ही खड़े तो अपने को भी मिलेगा थोड़ा प्रसाद, गणपति की आरती करते हैं तो वो सबको बांटते प्रसाद, तो खुद भी तो लेते ना, अथवा सबको प्रसाद ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के लोग जाके उधर कोने में जाके सबको प्रसाद दे दे, ऐसे अपने तक भी आ जाएगा प्रसाद, चिंता न करे, प्रसाद जरूर मिलेगा, फल मिलेगा, फल मिलके ही कर्म का अकाट्य सिद्धांत है, फल लेना ही पड़ेगा, जूते खा के लेना पड़ेगा, नाक बांध के उल्टे टंग के लेना ही पड़ेगा कर्म का फल, लेकिन जो देगा वो लेगा तो फिर उससे बंधन नहीं होगा, लेकिन मांग मांग के पकड़ पकड़ के रोक रोक के खाएगा तो फिर अपनी जिम्मेदारी हो जाएगी, इसलिए कर्म फल को उसको दे दे, अब अपना समय लाइन में लग नंबर लगेगा तो अपने को भी मिलेगा। मीनवाइल आई एम फोकसिंग ऑन यू माय लॉर्ड, आई एम थिंकिंग अबाउट व्हाट डज दिस हैव टू टीच मी अबाउट माय कनेक्शन विद यू, I want to go on that bridge called Adhyatma. I want to walk across this. ये बात वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में आती है, मैंने अपनी बनाई हुई नहीं है, गीता में तो स्पष्ट रूप से यहाँ कही हुई है। सो हिंदी में इसको पढ़ के सुनाए, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित ममता रहित संताप रहित होकर युद्ध कर। कितनी सुंदर मानसिक स्थिति है, व्हाट अ लवली ब्यूटीफुल ट्रैंक्विल स्टेट ऑफ माइंड, इफ वी कुड एक्सिक्यूट ऑल आवर टास्क विद सच प्योरिटी ऑफ इंटेंशन एंड फ्लॉलेस एक्सिक्यूशन, फोकसिंग ऑन परफेक्शन, ओनली ऑन डूइंग द टास्क, दिस इज व्हाट बुद्ध टॉट हिज डिसिपल्स, एट द कोर ऑफ ज़ेन इज दिस, फोकसिंग ऑन द टास्क एट हैंड, फोकसिंग ऑन द ब्रेथ that I'm breathing right now. तो आगे चलते हैं 31वां श्लोक।
ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देख, ऐसा नहीं है कि तू अपनी गाड़ी ड्राइव करेगा तो इस हाईवे से तो मेरे तक आ पहुंचेगा खाली पुल, तेरे पुलिया में। तू अगर अपने खाली पैरों से चल पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ पुल पर, मेरे हाथ पे मच्छर बैठे थे और मैं चले जा रहा हूँ तो मच्छर भी जा रहा है। हम गाड़ी चला दे, गाड़ी में मकड़ी मक्खी आ जाती है तो वो भी 60 mph से भागी जा रही है, उसको तो पता भी नहीं लेकिन वो जा रही है। और मच्छर को पता नहीं कि वो तो पुल क्रॉस कर रहा है करके। तो भगवान कहते तू चल या ना चल, लेकिन अगर तू इसको विश्वास रखता है, इधर टिकता है, वो मच्छर टिक गया ना मेरे हाथ पे, वो गेंडे पे बैठ गई वो मक्खी, उसको गेंडे को पता भी नहीं, चिंता भी नहीं है, वो उधर जा रहा है, वो भी उधर जा रही है। मौसी कार में खिड़की से घुस गई मकड़ी तो वो भी चले गए नाथ द्वारा जाके श्रीनाथ जी के मंदिर तक चले गए राजस्थान में। तो यू कैन ऑल्सो सिट इन दैट व्हीकल, द व्हीकल ऑफ ट्रस्ट, श्रद्धा, विश्वास इन बातों पर। भगवान करे मेरे मत का अनुसरण अगर करे, ये बात तेरे को समझे ना समझे, लेकिन अगर तू माने, ट्रस्ट मी, सेइंग ना मैं तेरा सुहृद हूँ, हित चिंतक हूँ, हित कारक हूँ, तेरा अंतर्यामी हूँ, यहाँ तक क्या बताओ कि तू है ही नहीं यार, मैं ही हूँ, तू अटक के बैठा है, तेरी अटक है, तेरी जिद है, तेरा हट है, तेरा आग्रह है, इसलिए तू देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा। आँख आँख बंद करके जबरदस्त तू खोल तो देखेगा तो मैं ही हूँ, तो मेरे मत का अनुसरण करने का प्रश्न ही नहीं है, दूसरे और किसी के मत का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन ये अगर जान ले, मान ले, समझ ले, इसके अनुसार चले, तो यहाँ पे कहा ये मे, ये मतलब दिस, मे इज माइन, मतम इदम, दिस ओपिनियन ऑफ माइन, व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, शेयर्ड विथ यू, इन्फॉर्म्ड यू अबाउट, ये मे मतम इदम। इधर भगवान की भी विनम्रता है ना, ये कह तो सकते थे गधे चुल, तू तो रो, देख अपनी अपनी अकल से किया तो रोना पड़ रहा है ना, अब चुपचाप बैठ, मैं कहता हूँ ऐसे चल करा, ये तो बार बार मेरा मत है, मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जब तक अभी जब दर ये विश्व दर्शन जब होगा तो वो कर लेगा हाथ जोड़ के, ओ माई गॉड वाई वॉज आई क्वेश्चनिंग यू, वट वाई वाई डिड आई मिस ऑल दिस करके। लेकिन जब तक उसकी आस्था दृढ़ न हो, पक्का न हो, तब तो कह रहे देख मैत्री भाव से है ना, दोस्त है, हम दोस्त एक दूसरे को डांटते, डांट फटकार नहीं करते, जबरदस्त नहीं करते, वही काउंसिल करते हैं, कंसल्ट करते हैं, सलाह देते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, मनाते हैं, पटाते, अरे यार नहीं ट्रस्ट मी, ना 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 ऐसा मत कर, मैंने करके देखा है, वो झंझट में पड़ जाएगा, वो भी एकदम इधर का उधर का हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ऐसा मत कर उधर चल, हम समझाते, ऐसा ये दोस्त करके आया तो दोस्त को उसी के नाते समझा रहे, देख मेरा मत ऐसा है, मेरा ओपिनियन ऐसा है, ये जो मैंने अभी बताया उसके अनुसार नित्यम हमेशा अनुतिष्ठन्ति, इफ यू स्टे सिचुएटेड इन दिस, इसमें अगर अडिग रहता है, इस मार्ग को अगर तू छोड़ता नहीं है, और जो भी मान वहाँ का, स्त्री ने कहा, पुरुष ने कहा, क्षत्रिय ने कहा, मेरा वाला नहीं कहा, तेरा वाला नहीं कहा, भारत वाला नहीं कहा, इस गुरु वाला नहीं कहा, ब्राह्मण नहीं कहा, वो तो द्वापर युग में थे कन्हैया, उस समय होता था, अब कलयुग में नहीं होता, ऐसा भी नहीं कहा। मानव पीरियड द हाइएस्ट, अगर हम मानव है, मनु से जन्मे हुए है, अगर लगे है ह्यूमन्स है, जो भी ह्यूमन, व्हाई डू वी थिंक कि इतने जो हरे कृष्णा हरे रामा वाली मूवमेंट इतनी चल रही है इस्कॉन वालों की, उनका भी उद्धार हो रहा है, उनको भी आनंद हो रहा है, उनको भी मजा आ रहा है, क्यों, वो तो तब तब से भगवान ने कह के रखा है कि जो भी मानव मुझ में विश्वास करके इसके अनुसार चलेगा, ये कहीं नहीं कहा हिंदू लोगों के लिए, ब्राउन स्किन कलर के लिए ही है ना। आगे चल के 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह योग में और अंत में भगवान कहते हैं कि स्त्री हो, पुरुष हो, चांडाल हो, ब्राह्मण हो, राजा हो, ऋषि हो, मुनि हो, जो भी इसके इसका अनुसरण, सबको वही प्राप्ति होगी, किसी को कम किसी की ज़्यादा ऐसा नहीं होगा। यहाँ संसार में तो ऐसा देखने को मिलता है,
अपनी अकल के अनुसार, अपने काबिलियत के, अपने कॉन्टैक्ट्स कनेक्शंस के अनुसार, अपने स्किल्स के अनुसार, डिग्री के अनुसार, किस मुल्क में रहते हैं इसके अनुसार कम ज़्यादा अनुभव है। उधर वैसा नहीं है, सबको एक जैसा है, बिकॉज दैट इज़ द एब्सोल्यूट, दैट इज़ नॉट रिलेटिव। दोज हु अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव, सापेक्ष और निरपेक्ष एंड एब्सोल्यूट विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स। There is only one state there. There is homogeneity. There is only consistency. There is uniformity. The variations are here. The diversity, the differences, alag, 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 idhar hai, udhar ek hai. Anya, 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 idhar hai, udhar ananya hai. Anya, anya mein jo ananya hai, the common thread. Uske liye baat kare, usme bhedbhav nahi hai. तो जो भी मेरे इस मत का अनुसरण करता है, भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन को, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, तिष्ठन्ति मतलब खड़ा हो जाना उसमें। तो ऐसा नहीं कि इसमें खड़ा हो गया, अभी हिले नहीं, डुले नहीं, किधर जाए नहीं, कुछ करे नहीं। अनु शब्द लगाया, ग्रामर है संस्कृत का, वो संकेत, जैसे अनुराधा कहते हैं, अनुराग कहते हैं, अनुतिष्ठन्ति, एज इफ, as good as, अनु मतलब अनु दीदी को प्रणाम है, तो as good as if you are standing in it, situated in, अनुतिष्ठन्ति मानवः, जो भी श्रद्धावंतो आन असुयंतो। बड़ा महत्वपूर्ण है, दो बातें खारी भगवान ने कहा, कैसे विश्वास रखे, श्रद्धा हमारी कैसी हो इसमें, श्रद्धावंतो निष्ठा तो हो, trusting, right, पहली बात trust हो, और अनसूया हो। असूया मतलब ईर्षा, जेलसी, करे वो पत्ते, वो ग्वाला, हम शैव है, हम तो शिव जी को मानते हैं, वो कृष्ण पता नहीं वो कैसा ऐसा है, वो असूया हो गया। अथवा तो हम जो भी हो गया, हम इम्पर्सनल ब्रह्म, हम वो तो ब्रह्म की उपासना करते हैं, हम तो सूर्य की उपासना करते हैं, तेज को ही मानते हैं, हम लोग नहीं मानते पर्सनल गॉड होगा कोई ऐसा। ऐसे भेदभाव न करके ऑनेस्टली ट्रस्टिंग, ईर्षा रहित होकर, एज इज अगर ले उसको, ट्रस्टिंगली, श्रद्धावंतो अन असुयंतो, मुच्यन्ते, मुक्ति हो जाएगी। मुकुंद नाम है भगवान कृष्ण का एक, मुकुंद वो भगवान उसको कहते हैं जो वास्तविक में मुक्ति दिला सके, दिला दे और अनुभव करा दे। मुक्ति के विषय में बातें ही न करे, मुक्ति के विषय में लिखे नहीं, कहे नहीं, गाए नहीं, बजाए नहीं, मुक्ति दिलाए। जैसे कैश इज किंग, शो मी द मनी, ले तेरे को मुक्त किया, अब किया कैसे पता कर, चल अंदर देख, अनुभव हो, कोई बंधन का अनुभव ना हो जब, फ्री फ्रॉम ऑल डिपेंडेंसीज, रिड ऑफ ऑल एक्सटर्नल नीड्स, और आनंद में कोई कमी नहीं, उतना का उतना, वैसा का वैसा आनंद, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के साथ, हर मुल्क में, सब समय, सब काल, सब एक जैसा। वो जो दे सके उसको मुकुंद भगवान कहते हैं, और वो जो देता है उसको मुक्ति कहते हैं। तो मुच्च अंते मतलब अंत, मुच्च आखिर में, इफ यू ट्रस्ट मी, जेलसी फ्री, एंड डू एज आई से, देन यू विल फाइंड योरसेल्फ फ्रीड इन द एंड, यू विल फाइंड योरसेल्फ इन द बिफोर द एंड ऑफ दिस लाइफ, ये जन्म छोड़ने से पहले, इस देह को छोड़ने से पहले। ये क्या बात हुई यार, स्वर्ग में जाएंगे तब अपनी मुक्ति होगी, वो अभी अच्छा करेंगे, सुकृत करेंगे तो आगे अगला जन्म अच्छे जगह पे होगा, वो तो होगा, लेकिन उस अपने इतना समय नहीं, इतना पेशेंस नहीं है। अपन तो भगवान को चैलेंज करते, तो है भगवान ने तो अभी दिखाया यार, कल की बात तो बहुतों ने कर, कितनों ने किया, कल ऐसा करें, क्रेडिट वाला भगवान कैसे, क्रेडिट कार्ड वाला कैसा, स्वर्ग का क्रेडिट कार्ड, अभी ले ले बाद में, अभी मेरी पूजा कर दे, अभी ये गीता पढ़ ले बाद में जाके तेरे को अगले जन्म में क्रेडिट पे मुक्ति दे दूंगा। हाँ, आई डोंट वांट दैट, ये अर्जुन को भी नहीं चाहिए थी, मेरे को भी नहीं चाहिए, अर्जुन को भी उस अनुभव हुआ, अगर मेरे को हो सकता है तो तुम सबको हो सकता है, ये स्टेट ऑफ माइंड अभी मिल सकती है, क्रेडिट पे नहीं, डेबिट कार्ड है, उसके नाम का पिन दबा दे तो बस खुल जाए ताला। तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, उसमें दोष न देखे, फॉल्ट फाइंडिंग ना हो, ऐसा क्यों किया, वैसा तर्क, अपना लॉजिक, अपना रैशनलाइजेशन ना हो, पहले माने तो ना, जो कहा उसको माने तो, बाद में उसको उसके टुकड़े करे, पहले करके तो देखे जो कहा वो, उसे कहते दोष दृष्टि रहित ना।
और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं। फिर से अनु आया, आज क्या बात है, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, कर्म से छूट जाते हैं, मतलब क्या उनको फल नहीं भुगतना पड़ता। फिर सारा दुख किससे हो रहा, कर्म से नहीं हो रहा, कर्म के फल से दुख हो रहा है ना। अच्छी तरह से सोचे इसको, दुख जब होता है तो अंदर जाके सोचना दुख किससे क्यों हो रहा है। जो भी कर्म किया था उसका फिर कुछ फल हुआ, उस फल से जुड़ गए, अपना माना, तो वो फल से दुख मिल रहा है, तो मुक्ति मिली, मतलब उसके साथ संबंध टूट गया, फल में अपनापन नहीं रहा, फल के लिए आशा नहीं रही, फल से कोई फिर असर नहीं रहा फल का। तो ये बात हो सकती है, उपनिषदों में ये बात आती है। आखिरी 5 मिनट करके फिर रोकते हैं आज का, एंड देन विल स्टार्ट विद 32। 32 खाली पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको कंटिन्यूटी, एंड देन विल स्टार्ट। हिंदी में क्या है, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोष आरोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों से मोहित और नष्ट हुए ही समझ। वो कहते मेरा नुकसान नहीं होगा, तेरा विश्वास नहीं होगा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यार आई एम सो सॉरी, लेकिन तेरे को समय लग जाएगा और दुख भोगने पड़ेंगे, इसलिए द चॉइस इज योर्स। फ्रीडम दे के रखा है ना भगवान ने, फ्रीडम दे के रखा है इसलिए बंद गए हम। कैसी कैसा विरोधाभास है, कैसी आयरनी है, जिसको मुक्ति दी वो ही बंधन में पड़ गया। मुक्ति दी हमको, जो करना है करो, जो मानना है वो मानो, नहीं मानना तो ना मानो, नहीं करना तो न करो, इतना फ्रीडम दे दिया तो बंध गए पगले फ्रीडम से। अब इसके चरणों से अगर बंध जाए, उल्टा करे तो मुक्ति मिल जाए। राम चरणों में जो आया उसे न लगे ये माया, है ना। क्यों? क्योंकि आईने में ऐसा ही होता है ना, इधर करे तो उधर जा, इधर कर रहा तो वो उधर जा रहा है, ये रिफ्लेक्शन है, माया है, उल्टा है। इस बात को समझ के तो वी वो इसका अलग फिर से करेंगे। तो उपनिषदों में आता है आत्यंतिक दुख निवृत्ति और आत्यंतिक सुख प्राप्ति। तो छांदोग्य उपनिषद और ऐतरीय उपनिषद नाम के दो उपनिषद हैं, उनमें there's a lot of description, a lot of good stuff related to this, good knowledge given that. Chandogya Upanishad, by the way, is the one jisme wo mahavakya aata hai, tatvamasi, you are that, jo hai, the great utterance, the greatest paradigm has been set up in Chandogya Upanishad, tatvamasi, you are that. To, sattarati shokam atmavit, usme aata hai ki, jo dukh ki nivrutti agar karni hai, तो जिसने अपने आत्मा को जान लिया उसकी सारी दुख की निवृत्ति हो गई। हमारा सारा प्रयास क्या है, एवरीथिंग वी डू और नॉट डू, दुख से छुट्टी हो, दुख न मिले और उसकी जगह क्या सुख मिले। और खाली दुख छुटे नहीं, बिल्कुल छुट जाए, और खाली सुख मिले नहीं, बहुत सुख मिले, अत्यंतिक सुख प्राप्ति, एंड पॉइंट, अल्टीमेट सुख की प्राप्ति के लिए अपना पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये हो वो हो, तो उसके लिए फिर वो ऐतरीय उपनिषद में कहा, ब्रह्मविद आपनोति परम। अत्यंतिक दुख निवृत्ति करनी है और अत्यंतिक सुख प्राप्ति करनी है, तो दो उपनिषद ने कहा, छांदोग्य उपनिषद ने कहा कि जो आत्मविद तरति शोकम, शोकम तरति आत्म, अपने आप की अगर पहचान हो, अपने आप को समझ ले, मे बी वी विल टॉक अबाउट दिस नेक्स्ट टाइम, तो तेरी दुख की निवृत्ति अभी हो जाएगी। तेरे को पता चलेगा कि दुख ऐसा तेरे साथ कुछ संबंध है ही नहीं। तो दीदी हैज़ ए क्वेश्चन, आई थिंक वी मे हैव जस्ट इनफ टाइम टू हियर द क्वेश्चन एंड आई कैन मे बी एड्रेस इट क्विकली एंड देन ब्रिंग बैक द रिस्पॉन्स नेक्स्ट टाइम। यस प्लीज, I can hear. It's my worst idea. So you said we should talk about karma and karma. What is the rule to do karma? But I try to do it, but it's so hard. We still attach to the word karma. So, with the rules. How do we make this? It's very hard. Yeah, so I have to apologize. The only thing that I heard clearly, which is probably where the question is, how
And that and hard, it make it makes it hard. So all hows are hard. So maybe Didi Asa, if it's okay with you, maybe you can follow up separately. And then we can talk through it and we can share back next time. I can make sure to remember to share back with the rest of the group also. आप लोगों का भी समय भी हो रहा है इसलिए but I will make a note of it and I will reach back out to you. So anyway, so then let's conclude here. तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए छांदोग्य उपनिषद में क्या था कि सत तरति शोकाम आत्मविद, आत्मा की पहचान जो हो. और ऐतरीय उपनिषद में तैतरीय उपनिषद, एक ऐतरीय और एक तैतरीय है, इधर वाला और उधर वाला, इत्र तत्र जैसे उपनिषद में आता है, ब्रह्मविद अपनोति परम. खाली अपनी पहचान हो तो दुख की निवृत्ति हो, लेकिन खाली जो मैं हूँ वो सब सेम है, एक ही है, ये जो पहचान हो जाए ब्रह्म की तो फिर अत्यंतिक सुख प्राप्ति हो. इसका इस अध्याय के साथ संबंध है. सो विल पिक अप देयर नेक्स्ट टाइम एंड मैं अनुपा दीदी आई विल सेपरेटली कॉन्टेक्ट यू अबाउट इट. सो ग्रेट, जय गणेश अगेन, गणपति बापा मौर्य, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण.